हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, मैं आज बनाने वाला हूँ लेमन पटाटो। सबसे पहले हम पटाटो लेंगे, उसको पील करेंगे और उसके पीसेस करेंगे। जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप पीसेस कर सकते हैं। और उसके बाद मैं पानी को बॉयल करूँगा, उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक डाल दूँगा, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और उसको ब्लांच करेंगे, यानी 30% उसको ब्लांच करेंगे। फिर ब्लांच करने के बाद इसको आप चाहे ठंडा कर सकते हैं और आप फ्रिज भी कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस फ्रेंच फ्राई का भी है, फ्रेंच फ्राई भी आप इस तरीके से कर सकते हैं और जब चाहे आप फ्राइड कर सकते हैं फ्रीजर करके। और मैं बनाने वाला हूँ आपके सामने आज लेमन पटाटो, जो नॉर्मल सी रेसिपी है लेमन पटाटो की। और लेट्स सी, वीडियो में बने रहें और कमेंट करें आपको किस तरीके से लगा। सो लेट्स वॉच। क्योंकि अगर आप पटाटो ऐसे काट के रखेंगे तो कलर उसका ब्लैक हो जाएगा, अगर पानी के अंदर रहेगा तो चलेगा। अगर ऐसे बॉयल करके आप थोड़ा सा हल्का सा इसको गर्म पानी में हल्का ब्लांच करके रखेंगे तो उसका कलर जो है कुछ नहीं होने वाला। इसको 2-3 दिन, 4 दिन, जितना दिन भी रख सकते हैं रख देंगे। ये देख सकते हैं, ये कुक नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल 30% है। इसका कलर भी मस्त हो गया, सब कुछ मस्त हो गया। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने वाला हूँ लेमन पटाटो। सबसे पहले मैं डाल दूंगा सॉल्ट यानी नमक, उसके बाद मैं डालूंगा ये थोड़ा सा चिकन स्टॉक पाउडर, थोड़ा सा वाइट पेपर डाल देंगे। उसके बाद डालूंगा मैं इसमें ये थाइम, थाइम का हम लोग ये करेंगे, लीफ पत्ते पत्ते निकालेंगे यानी लीव्स निकालेंगे और पत्ते डाल देंगे। ओके, ये जो डंडियाँ हैं ये भी हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि बाद में तो हमने ये पीसेस पीसेस निकालने हैं तो ये साइड हो जाएंगे। सही है। इसके बाद डाल दूंगा मैं मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट डाल दूंगा मैं, ये इंग्लिश मस्टर्ड है। डाल दूंगा गार्लिक पेस्ट, फ्रेश गार्लिक पेस्ट है। इसमें डाल दूंगा कॉर्न ऑयल, इसको अभी फिर मैंने थोड़ा सा इसमें स्वीट पेपरिका डाला है ताकि कलर थोड़ा ब्राउनिश लगे। सही है। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ये सॉल्ट पेपर और मस्टर्ड जो भी आपने डाला है मिक्स हो जाए।
अभी मैं इसको जो है ओवन में डाल दूंगा। लेमन पटाटोस इसको हम लगभग 30 से 40 मिनट बेक करेंगे 200 के टेम्परेचर में।